हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नए दिन के साथ, वो भी थाईलैंड में। जी हाँ, तो जैसे कि आपने टाइटल देखा है वीडियो का, जंगल मॉन्क, तो एक जगह है जहाँ की हम जाने वाले हैं आज। आई एम रियली लकी कि मुझे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी फैमिली मिली है। गीता दीदी हैं, गोपाल जीजाजी हैं, उनकी पूरी फैमिली के साथ आज मैंने सोचा कि चलो आज टेंपल विजिट करते हैं, जो कि एक जंगल मॉन्क के नाम से काफ़ी फेमस है यहाँ पे। अक्सर यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि लोकल लोग हैं, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, इनफैक्ट जो नहीं भी करते हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे लोग अपना, जैसे हम लोग मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, यानी कि हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, तो यहाँ पे मॉन्क को भोग लगाया जाता है। तो हर कोई यहाँ पे जल्दी आने की कोशिश करता है कि जो जितनी जल्दी लेके आएगा मॉन्क, जिस थाली को भी मतलब एक टाइप से चूज़ करेंगे खाने के लिए, वो बहुत ही लकी माना जाएगा। तो यहाँ पे लोग जल्दी जल्दी आते हैं, जो भी भगवान लेके आए हैं उनको तैयार करके मॉन्क को देते हैं। लुक एट हियर, नाइस। तो मैं यहाँ पे आया, जंगल मॉन्क इस जगह का नाम है। जंगल मॉन्क, यस। सो जंगल मॉन्क, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भोग लगाया जाएगा बेसिकली, और उसके बाद तब, क्योंकि आज आज भैया का बर्थडे, आज गोपाल भैया का, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं आज। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, ये सब के सब जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश करते हैं कि जल्दी हम यहाँ पे आएँ। और जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो में, सब लोग यहाँ पे जो खाना बना के लेके आए हैं वो मॉन्क के सामने एक टाइप से रख रहे हैं, वहाँ पे उनको दे रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अगर मॉन्क कोई एक थाली चूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बाकी का क्या होता है, तो ये भी आपको इस वीडियो के एंड तक पूरा पता चलेगा। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे जो मॉन्क है वो उन सबसे बातें करते हैं। और जो मॉन्क हैं ये बहुत ही प्रभावशाली मॉन्क हैं, ये मन की बात जानते हैं, यानी कि अगर आप इनके सामने बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये समझ जाएंगे आप क्या सोच रहे हैं। तो इनके अंदर इतनी पावर है, और सच में मतलब जितने भी यहाँ के लोकल्स हैं वो भी ये बात बोलते हैं और मानते भी हैं। और सच में कोई भी आपको समस्या है, परेशानी है, यहाँ आके बिल्कुल, क्योंकि इतना शांत है यहाँ पे, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी दिक्कत है तो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आपकी हर समस्या का हल निकालेंगे ज़रूर। तो प्रेयर करने के बाद आप खाना खाएंगे यहाँ पे। देखिए प्रसाद है, नहीं यहाँ देखो ना, सब लोगों ने बर्तन वर्तन रखे यहाँ पे प्रॉपर। तो बोला जो भी लोग आएंगे यहाँ खाना खाएंगे, उसके सफाई करके फिर तब जाएंगे। गुड।
तो यहाँ पे मिक्स है खाना सब कुछ। ये तो मछली है। ये चावल स्टीम राइस है। जितने भी लोग यहाँ पे मॉन्क को देने के लिए आए थे सारा का सारा खाना, तो उनमें से जो बच जाता है उसके बाद ये सब लोग जितना भी आप खाना चाहते हो आप यहाँ पे खा सकते हो। उसके बाद जो खाना बचेगा उसको पैक करके तो अपने लोकल्स लोगों को बांट सकते हैं एज अ प्रसाद के रूप में। तो आप उनको यही बोलोगे ना कि प्रसाद है ये, प्रसाद बोल के प्रसाद टाइप का लेता है दवाई रखिए सोच के। अच्छा देखो हम लोग ऐसे ये ऐसे करके खाता है, ये सलाद है, ये क्या बोलता है इसको, बैंगन ये बैंगन। हाँ, ग्रीन वाला और ये पापो सत्ता, ये करेला देखो कच्चा कच्चा खाता है ये सत्ता, इसका आई डोंट नो यू हैव और नॉट, इसको बीन्स, ये तो हमको शायद ये बीन टाइप का, अच्छा ये वहाँ नहीं मिलता, बीन टाइप लग रहा है करेला। करेला हाँ ये तो करेला सलाद है। हाँ जी ये करेला लंबा वाला है ना, हम लोग ऐसे कच्चा कच्चा खाते हैं सलाद। फिर जाएंगे याद रहेगा मेरे को जिंदगी भर की यहाँ आया था मैं। हम लोग सब सफाई कर रहे हैं। और आज किसके बर्थडे? आज उसका बिग बॉस उधर है उनका बर्थडे आज, यानी कि जीजा जी का। कभी कभी मेडिटेट कर लेके आता है ना ऊपर पे, हाँ थोड़ी देर में हम ऊपर लेके जाएंगे आपको। ठीक है मेडिटेशन जहाँ पे करते हैं उधर है। बहुत अच्छा है, सुबह 6 बजे आता है ना हम लोग, अच्छा रहता है शांत एकदम, घर जाने का मन ही नहीं होता, क्या करे जाना पड़ता। अच्छा कुछ नहीं फेंकता, ये सब कुछ जाके देता है अड़ोसी पड़ोसी होता है ना, तो वो मतलब वो मना नहीं करते, मतलब सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा वो कोई मना नहीं करता, क्योंकि प्रसाद में ना इतना अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा से बनाया है, कितना मतलब यहाँ पे अगर कोई जैसे आएगा तो वो खुद ही लेके आएगा। नहीं, मर्जी है हाँ। लेके आओ बता। अच्छा अच्छा हम पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसे करें। अच्छा पानी वगैरह खरीदो लेके आओ, ये लोग समोसा खाते हैं, समोसा भी लेके आते हैं। अच्छा समोसे भी लेके आते हो, चिकन मसाला। अच्छा अच्छा चिकन मसाला बना के लेके आते हैं, समोसा खीर चाय सब कुछ। कभी कभी हम लोग वो लोग को बना के ओ क्या बोलता है तंदूरी वगैरह वेजिटेरियन बनाता है। अच्छा इसमें तो चिकन डाला पड़ेगा, वो बोलता है हाँ। कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता, वो लोग का आता है। अच्छा कभी कभी खा लेते हैं समोसा है, हम लोग बोलते हैं इसमें वो नहीं है ये नहीं है, उसको पूरा मालूम है। अच्छा बहुत अच्छा रोटी। अच्छा वो काफ़ी खाते हैं, बहुत बढ़िया। जो बनाते हैं वो लेके आके हम लोग ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो यहाँ पे सेवा करने के बाद यहाँ पे मतलब जो बर्तन है वापस साफ करके रखेंगे। तो राज और रूबी दोनों के दोनों बर्तन वहाँ पे साफ कर रहे हैं और यहाँ पे ये सफाई की जा रही है। पूरा फॉरेस्ट एरिया में है ये सिचुएटेड ये जगह, बाकी यहाँ बहुत सारे बनाना ट्रीज़ और बहुत सारे फ्रूट्स के
आपको ट्रीज मिलेंगे यहाँ पे। इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये तो सिर्फ किचन का एरिया जो आप देख रहे हो, किचन के साथ में जहाँ पे मतलब लोग खाते हैं उतना सा एरिया सिर्फ ये। तो ये है बेसिकली जंगल मॉनेस्ट्री, और यहाँ पे जंगल मॉन्क जगह के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया था। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, आप जैसे हम लोग मंदिरों में प्रसाद लेके जाते हैं और फिर पहले मंदिर में जाते हैं उसके बाद तब खाते हैं, तो सेम टू सेम मतलब आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप खाना वाना बनाओगे, फिर उसको लेके आओगे, फिर उसको यहाँ पे जो मॉन्क हैं उनको आप दोगे, एक टाइप से वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ आके अपना खाना वाना खा सकते हो आराम से। तो ये जगह सामने की तरफ जहाँ पे खाना वाना खाते हैं, और एक टाइप से आप यहाँ पे फिर सेवा भी करते हैं। तो ये प्रॉपर एक बुद्धिज़्म टेम्पल नहीं बोलूँगा मैं, बट द थिंग इज़ कि एक ये यहाँ पे एक ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है मतलब यहाँ पे। तो ये हैं राज जीजा जी। तो अक्सर ये होते हैं जब किसी का बर्थडे होता है, हम लोग पार्टी का सोचते हैं चलो आज पार्टी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट द थिंग इज़ इन्होंने डिसाइड किया, और ये हर बार यही करते हैं कि जब भी इनका बर्थडे होता है यहाँ पे ये आके साफ सफाई करते हैं जितना हो सकता है अपने एंड से। वो वैसे बर्थडे हो चाहे ना हो, वैसे तब भी वो आते रहते हैं यहाँ पे, हर वीक आते हैं बल्कि ये बताया उन्होंने, लेकिन बर्थडे के दिन वो यहाँ पे आके और सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक टाइप से वो यहाँ पे डोनेट भी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की हैं यहाँ के लिए, यानी कि इस पूरे एरिया के लिए भी। तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो एटलीस्ट मेरा एक ऐसे फैमिली से मतलब एक संबंध बन चुका है, जो कि बहुत ही प्यारी फैमिली है, इवन दे आर सो गुड, और वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं हर किसी का जो भी उनसे मिलते हैं, और यही खास बात है एक प्यारी फैमिली की। मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे थाईलैंड में, लेकिन द थिंग इज़ कि इतनी प्यारी ये फैमिली है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं मुझे पक्का इनवाइट करते कि चलो साथ में। लाइक यू आर टेलिंग मी लाइक 17 और 19 इयर्स अगो इट वाज लाइक नथिंग, इट वाज कंप्लीट फॉरेस्ट। No lights. Very darkness. Uh-huh. After that, everybody donate little bit. And then they built, start building. Yes, it's becoming this one, everything. Yes. Nice. Everybody for donate. This is, for Thai people do always like that. Uh-huh. Even foreigner people also sometimes from, yeah, every place, from India, Russia, even every place. It when they come most, and they, yes, yeah. It will become, more and more, so nice. We are happy. Mm-hmm. Yes. So it's like happiness to do things over here. Yes. तो यहाँ पे दीदी बता रही हैं कि यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मॉन्क एक टाइप से जो थे वो सिर्फ बस एक ध्यान के लिए यहाँ पे थे, बट उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया, और इतना बड़ा आज के टाइम पे एरिया है, और यहाँ पे ध्यान के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे ध्यान करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, और सब लोग अपनी तरफ से जितना हो सकते हैं यहाँ पे अपना खुल के सेवा भी करते हैं, साथ साथ में खाना वगैरह भी यहाँ पे लेके आते हैं, और इस तरह से ये जो प्यारी सी मॉनेस्ट्री है चल रही है, और सबको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। खाना खाने के बाद, सेवा करने के बाद आखिरकार वो मौका मिला हमको कि जो मॉन्क है हमारे सामने, तो बेसिकली ये पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, उसके बाद कुछ नहीं खाते, और यहाँ पर इन्होंने मतलब स्पेशली एक बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी हमको दी, और स्पेशली आई एम रियली हैप्पी कि मैं भी इसका पार्ट बना। तो राजा जी हैं उनको भी उन्होंने ब्लेसिंग दी, और सबको ब्लेसिंग दी जो यहाँ पे काम करते हैं और जो यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आप लोग अपनी लाइफ को और इजी बना सकते हो, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते चीज़ों को, भले ये थाई लैंग्वेज में बोल रहे थे बट हाँ उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, और मैंने बताया अपने बारे में कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने बताया कि इंडिया में बहुत पहले आए थे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने हमारे पास। इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद उन्होंने स्पेशली सभी मेंबर्स को अपनी तरफ से गिफ्ट दिया, और ये एक छोटी सी बोतल में ये एक जड़ी बूटी है जो कि विक्स की तरह है, जैसे इसको अगर आप सूंघोगे तो इसको इनहेल करना है, और ये आपको बहुत रिलीफ ही देगा, और ये नेचुरल एकदम। क्या मेडिटेशन के लिए ना इधर? ओके, अच्छा अच्छा एकदम शांत लग रही। अरे वाह, तो यहाँ पे
यहाँ पे मतलब मेडिटेशन करते हैं इधर। ओके अलाउड। अच्छा इसके ऊपर अलाउड नहीं। ये पूरा है जो नीचे रखे हैं ये गोल्ड के हैं। ओके एंड द वन विद द कोट इट्स मेड फ्रॉम जेड एंड गोल्ड। ओके प्योर गोल्ड। या प्योर गोल्ड। तो जो मेडिटेशन रूम है वहाँ पर बुद्ध की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है और साथ साथ में यहाँ पे गोल्ड से बनी यानी कि गोल्ड से बनी हुई कुछ मूर्तियाँ हैं और ये प्यारे से टेंपल के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हो। ये बिल्कुल जैसे माता के मंदिर में छत्र होते हैं गोल्ड के, उसी टाइप के बनाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और साथ साथ में इस चैनल से जुड़ें सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से निकास शिमली की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय थाईलैंड एंड जय नेपाल।